तो आप बोलेंगे ये गोबर गोमूत्र डाल के खेती कैसे की जाती है। इसका एक सरल सूत्र बताना चाहता हूं, जो भी किसान भाई हैं वो इसको लिख लें अपने कागज पर, अपनी कॉपी पर, नहीं तो ध्यान से सुन लें, क्योंकि ये सूत्र बताने पता नहीं कब कौन दोबारा आपके पास आएगा। ये सूत्र वो है जो खेती में उत्पादन तो ज्यादा देगा और खर्चा आपका पूरा घटा देगा। यूरिया का एक दाना डालना नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छी फसल आपकी पैदा होगी। क्या करना है? गोबर डालना है, गाय का हो या बैल का हो या भैंस का हो। कितना गोबर डालना है और कैसे डालना है? अभी कई बार हम गोबर डालते हैं तो क्या करते हैं, गोबर को इकट्ठा करते हैं, एक खड्डे में भरते जाते हैं, वो सूखता रहता है, फिर जब सूख जाता है तो उठाकर खेत में डाल देते हैं। ये सूखा हुआ गोबर मत डालो, इससे कोई फायदा नहीं है। गोबर अगर खेत में डालना है तो गीला डालो, वो सबसे ज्यादा फायदा करता है। ऐसे में एक बात समझाऊं आपको, मैं आपको एक सूखी रोटी दूं खाने के लिए, आप जल्दी नहीं खा पाएंगे, और उसी रोटी को दूध में डाल के दे दूं फटाफट खा लेंगे। एक सूखी रोटी दे दूं नहीं खा पाएंगे, दाल में डाल के दे दूं जल्दी खा लेंगे। गीली चीज जल्दी हजम होती है, मिट्टी को भी और शरीर को भी। तो खेत की मिट्टी में गोबर डालो तो गीला करके डालो। आप बोलेंगे कैसे करना है? एक एकड़ खेत अगर हमारे पास है मान लो, तो एक एकड़ खेत के लिए 15 किलो गोबर चाहिए, गाय का या बैल का या भैंस का। अब 15 किलो गोबर चाहिए और 15 लीटर मूत्र चाहिए, गाय का या तो बैल का या तो भैंस का। अब आप कहोगे गोबर इकट्ठा करना तो आसान है, मूत्र कैसे इकट्ठा करें? मूत्र इकट्ठा करना भी आसान, गाय बैल भैंस जब मूत्र देते हैं ना तो उसका समय एकदम पक्का है। गाय के बछड़े और बछड़ी को दूध पीने के लिए छोड़ो, तुरंत पेशाब करती है, डब्बा लगा के भर लो। ऐसे ही बैल करता है, ज्यादा देर बैठ के बैल खड़ा होगा पेशाब करेगा, डब्बा भर लो। तो मूत्र ऐसे इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है कि जहां जानवरों को हम रखते हैं वहां पत्थर बिछा दो, ईंट बिछा दो, थोड़ा पक्का कर दो, सीमेंट लगा दो, ढाल बना दो, एक नाली बना दो, नाली में खड्डा बना दो, तो जो भी मूत्र गिरेगा वो खड्डे में इकट्ठा हो जाएगा। और गाय के मूत्र की, बैल के मूत्र की, भैंस के मूत्र की विशेषता है कि इसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती, ये खराब ही नहीं होता। एक साल, दो साल, दस साल, बीस साल, पचास साल, कभी खराब नहीं होता। तो भरे रहा है गड्ढे में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उस गड्ढे में से उठाते रहो। 15 किलो गोबर, 15 लीटर मूत्र, दोनों को मिला लो, हाथ से ही मिला लो, एक प्लास्टिक का ड्रम ले लो उसमें मिला लो। मिलाने के बाद इसमें 1 किलो गुड़ डाल दो, गुड़, और गुड़ ऐसा डालना जो पुराना हो, जिसको कोई खाता ना हो, काला काला हो जाता है एकदम पानी जैसा, जिसको हम छूना भी पसंद नहीं करते, वो गुड़ इसमें डाल दो 1 किलो। और 1 किलो डाल दो कोई भी दाल का आटा या चोकर। चोकर समझते हैं? गेहूं का आटा छानने के बाद जो निकलता है क्या कहते हैं उसको? चोकर कहते हैं। वो डाल दो 1 किलो, या अगर सस्ती दाल हो घर में उत्पादन की हुई तो उसको पीस के 1 किलो डाल दो। तो 1 किलो चोकर या 1 किलो दाल का आटा, और इसमें डालो 1 किलो मिट्टी। मिट्टी कहां से लानी है? पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी। तो 1 किलो मिट्टी, 1 किलो दाल का आटा, 1 किलो गुड़, 15 लीटर मूत्र, 15 किलो गोबर, ये 5 चीजें एक ड्रम में मिला दो। मिलाने के बाद 15 दिन इस ड्रम को छांव में रखो, धूप में मत रखना, छांव में, पेड़ के नीचे रख दो। छांव में रखने के बाद 15 दिन में खाद तैयार हो जाएगा। फिर इस खाद में 200 लीटर पानी मिलाओ, और पानी मिला के जो घोल तैयार हुआ इस घोल को खेत की मिट्टी पे छिड़क दो। अगर खेत खाली है तो सीधे छिड़क दो, और खेत में फसल खड़ी है तो पानी के साथ इसको लगा दो। फसल में आप पानी देते हो ना, उसमें डब्बे से मिलाते जाओ, पूरे खेत में पहुंच जाएगा। अब ये खाद, गोबर, गोमूत्र, दाल का आटा, गुड़ और मिट्टी वाला जो तैयार होता है ना, ये यूरिया से 6 गुना ज्यादा ताकतवर है। हमने इसकी प्रयोगशाला में जांच कराई तो यूरिया डीएपी में जितनी ताकत है मिट्टी को देने के लिए, उससे 6 गुनी ज्यादा ताकत इसमें है, इसलिए इससे उत्पादन ज्यादा आता है।
और इस खाद को हर 21 दिन में खेत में डालते जाओ। हर 21 दिन में अगर आपने डाला तो पूरे साल की एक साइकिल बन जाती है। जैसे 3 महीने की फसल है तो 4 बार डलेगा, 4 महीने की फसल है 5 बार डल जाएगा, 6 महीने की फसल है 7 बार डल जाएगा। हर 21 दिन पर यह खाद डालते जाओ, परिणाम क्या होगा, मिट्टी बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। और ये खाद डालने से मिट्टी में केंचुए बहुत हो जाते हैं, और केंचुओं के बारे में आप जानते हैं, केंचुए मिट्टी में ऊपर नीचे घूमते हैं और मिट्टी को खोदते रहते हैं, और केंचुए मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं, पोला बनाते हैं। फिर बारिश का पानी जब गिरता है मिट्टी पे तो एक एक बूंद पानी नीचे चला जाता है, अगर केंचुए ज्यादा हो तो पानी पूरा नीचे चला जाता है, माने बहकर बेकार नहीं जाता है। और केंचुए ज्यादा है ना तो केंचुए क्या करते हैं, मिट्टी खाते हैं, और जो कुछ भी वो निकालते हैं मल के रूप में वो दुनिया की सबसे अच्छी खाद है। तो आपके खेत की मिट्टी में केंचुओं की संख्या बढ़ाओ, और वो गोबर की खाद से बढ़ती है, क्योंकि केंचुए को गोबर पसंद है। अगर आप एक बार गोबर की खाद डाल दोगे कहीं से भी केंचुआ घूमता हुआ खेत में आ जाएगा। और केंचुआ बड़ा विचित्र जीव है, 24 घंटे काम करता है, कभी छुट्टी नहीं करता, कभी संडे नहीं, कभी मंडे नहीं, और फोकट में काम करता है, कभी टीए नहीं, कभी डीए नहीं, कभी एचआरए नहीं, न छुट्टी लेता है न तनख्वाह लेता है। और ऐसा विचित्र जीव है ये केंचुआ कि साल भर ये जिंदा रहता है, और साल भर में 1,00,000 बच्चे पैदा करके ही मरता है। वो ये नहीं मानता हम दो हमारे दो, वो एक केंचुआ 1,00,000 पैदा करता। तो खेत में एक केंचुआ आया तो 1,00,000 हो गए, 1,00,000 और 1,00,000 करेंगे तो संख्या बढ़ती जाएगी। और जिस खेत में केंचुए ज्यादा हैं वहां की मिट्टी तो सोना पैदा करती है, ये सारे दुनिया के वैज्ञानिक मानते हैं। केंचुओं की संख्या बढ़ाओ, मिट्टी में सोना उपजेगा, खूब पैदावार होगी, खूब फसल मिलेगी। और उसका तरीका मैंने आपको बता दिया। अब 2-3 मिनट में एक और बात कह के मैं व्याख्यान खत्म करूंगा, समय हो रहा है। अब आपको मैंने खाद बनाने का एक तरीका बता दिया, अब दवा बनाने का भी एक तरीका बताता हूं। ये खाद तो आप खेत में डालोगे बहुत उत्पादन मिलेगा, लेकिन अगर आपका पड़ोसी किसान ये खाद नहीं डाल रहा है तो एक गड़बड़ी होगी, उसके खेत में कीड़े लगेंगे। जिस खेत में यूरिया पड़ता है कीड़े उसी खेत में लगते, जहां डीएपी लगता है सबसे ज्यादा फसल को बर्बादी उसी खेत में आती है। तो पड़ोस का किसान नहीं माना, वो यूरिया डालेगा, कीड़ा उसके खेत में आएगा, फिर वो आपके खेत में भी घुस सकता है, क्योंकि कोई बाउंड्री तो बनाई नहीं है आपने, तो कीड़े मारने के लिए क्या करेंगे फिर। उसके लिए एक दूसरा सूत्र बताता हूं, कीड़े मारने की दवा भी आप खुद बना लो, बाजार से खरीद के लाने की जरूरत नहीं है। 20 लीटर मूत्र ले लो किसी भी जानवर का, गाय का हो, बैल का हो, भैंस का हो, किसी का भी हो। अब इस 20 लीटर मूत्र में 2 से 2.5 किलो नीम के पत्ते पीस के डाल दो। नीम तो है, सब गांव में है, नीम की निम्बोली भी आती है, तो निम्बोली पीस के डाल दो, नहीं तो नीम के 2.5-3 किलो पत्ते पीस के डाल दो। फिर एक सीताफल का पेड़ होता है, देखा है, उसके पत्ते पीस के डाल दो, 2-2.5 किलो। फिर एक पेड़ होता है उसको आंकड़ा कहते हैं, कहीं कहीं आक कहते हैं, कहीं आंकड़ा कहते हैं, उसको अकौवा भी कहते हैं, तो उसका 2.5-3 किलो पत्ता पीस के डाल दो। फिर और एक पेड़ होता है जिसको हम लोग कहते हैं बेशरम, आप पता नहीं क्या कहते हैं, ये कैसा होता है मैं बताता हूं। बेशरम कहते हैं, समझते हैं, बहुत अच्छा, पान के जैसा पत्ता होता है, बिना बीज के होता है, बिना पानी के, इसलिए बेशरम कहते हैं उसको, हर गांव में होता है। तो 2.5-3 किलो बेशरम के पत्ते ले लो, 2-2.5 किलो नीम के पत्ते ले लो, 2.5-3 किलो इसके पत्ते ले लो सीताफल के, और 2.5-3 किलो आंकड़े के पत्ते ले लो, और इसमें 1/2-1.5 किलो तंबाकू पीस के डाल दो, और इसको खूब उबालो गोमूत्र में। उबालते समय इसमें एक काम और कर सकते हैं, 1/2 किलो लहसुन पीस के डाल दो, 1/2 किलो खूब तीखी मिर्च पीस के डाल दो, और उबाल के इसको ठंडा कर लो। ठंडा करके इसको छान लो। अब जो घोल बन गया है इसमें 200 लीटर पानी मिला दो, और ये 1 एकड़ फसल को किसी भी तरीके से सुरक्षित रख सकता है। और इसको स्प्रे कर दो खेत में, तैयार हो गए।
अब इस दवा को जब छिड़कना है तब छिड़क लो, बना के रखना है तो बना के रख लो, एक एक साल दो दो साल ये दवा खराब नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी एक्सपायरी डेट हो। तो कीटनाशक दवा बना लिया और खाद बना लिया। और अब तीसरा एक काम और कर लेना कि बीज जब खेत में डालते हैं तो बीज को खेत में डालने से पहले संस्कारित कर लेना। और संस्कारित कैसे करना, मान लो बीज लगाना है हमको गेहूं का, तो गेहूं का बीज लेना पहले बीज बोने से दो दिन पहले, उसको एक किलो गोबर, एक लीटर मूत्र और 100 ग्राम चूना, चूना आप समझते हो कलई चूना, 100 ग्राम कलई चूना, एक किलो गोबर, एक लीटर मूत्र, ये तीनों को मिला लो। कलई चूना को मिलाने का तरीका है कि पहले उसको पानी में डालो, खूब पानी को वो गर्म कर देगा, फिर ठंडा हो जाए तब उसको गोबर और मूत्र में मिला लो, मिला के ये घोल में गेहूं का बीज डाल दो और रात में डाल दो, सवेरे उस बीज को निकाल लो, निकाल के उस बीज को छांव में सुखा दो, और छांव में जब बीज सूख जाए फिर उसको खेत में लगाओ, तो इस बीज पर कभी भी कीड़ा नहीं आता, कोई कीट नहीं लगता, इतना बड़ा इंतजाम पहले ही हो जाता है, तो खर्चा बच गया और उत्पादन ज्यादा आता है। तो बीज संस्कार करके लगाना, खाद बनाने का तरीका बता दिया, कीटनाशक का तरीका बता दिया, और ये तीनों तरीके अगर किसान भाई इस्तेमाल करते हैं तो यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट, एंडोसल्फान का 7 लाख करोड़ रुपया साल का हम बचा सकते हैं। और ये रुपया बचा के गोबर गोमूत्र से खेती करते हैं तो जानवरों की संख्या बढ़ा सकते हैं, और जानवरों की संख्या अगर बढ़ती है तो दूध भी ज्यादा मिलेगा, गोबर गोमूत्र भी ज्यादा मिलेगा। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप सब किसान इसी तरीके से गेहूं पैदा करो, चावल पैदा करो, चना करो, दाल करो, हम भारत स्वाभिमान की तरफ से आपका सब खरीदने को तैयार है, क्योंकि भारत स्वाभिमान अगले साल से 1000 दुकानें खोलने जा रहा है पूरे देश में, जहां गोबर गोमूत्र का गेहूं मिलेगा, गोबर गोमूत्र का चावल मिलेगा, गोबर गोमूत्र का चना मिलेगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना ऑर्गेनिक, एकदम शुद्ध देशी खाद का बनाया हुआ, गोबर का बनाया हुआ गेहूं चावल चना दाल मिले, ऐसी 1000 दुकानें हम खोल रहे हैं। उन दुकानों पर आप जो पैदा करेंगे वो बेचने के लिए हम सुविधा देंगे, और आप बेचकर अपना मुनाफा रखो, दुकान चलाने के लिए 5-7% जो खर्चा आता है वो उसी में से निकल जाएगा, वो नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे सारे देश में हम चलाना चाहते हैं। तो हम बेचने में मदद करेंगे, आप उत्पादन करो, और जब ये उत्पादन जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो हम इसको दुनिया भर के देशों में बेचना चाहते हैं। और दुनिया भर के देशों में ये बेचेंगे 4 गुना मुनाफा आएगा। मैंने लंदन में देखा एक डिपार्टमेंटल स्टोर में यूरिया डीएपी का आलू है 1 स्टर्लिंग पाउंड का 1 किलो, और गोबर गोमूत्र का आलू है 4 स्टर्लिंग पाउंड का 1 किलो, 4 गुना महंगा बिकता है। मेरे कई दोस्त हैं वो किसान हैं, महाराष्ट्र में आम की खेती करते हैं, वो गोबर गोमूत्र का आम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक आम की कीमत 65 रुपए मिलती, और यहाँ यूरिया डीएपी का आम बेचते हैं तो 15 रुपए किलो में सब चला जाता है। कहाँ 65 रुपए का एक आम, कहाँ 15 रुपए का 1 किलो। तो मैं चाहता हूं कि सारे किसान जिनके पास सरप्लस प्रोडक्शन हो उनको एक्सपोर्ट लाइसेंस उपलब्ध हो तो सारी दुनिया में हम ये माल बेच सकते हैं, और पूरी दुनिया में भारत अकेला देश है जो ये सामान बेच सकता है, क्योंकि जो गाय और बैल हमारे पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं। दूसरे देशों के पास जो गाय है वो जर्सी गाय है, होलिस्टियन और फ्रीजियन है, उसका गोबर ही काम का नहीं है, वो बिल्कुल बेकार, उसका मूत्र भी काम का नहीं। देशी गाय है ना, उसी के गोबर में ताकत है, जर्सी और विदेशी गाय का गोबर तो बिल्कुल बेकार है। तो इसमें जब गोबर लेना तो देशी गाय का, और मूत्र लेना तो देशी गाय का। और एक छोटी सी आखिरी बात कहता हूं किसानों के लिए कि जिस गाय का गोबर गोमूत्र खेत में डालो 7 लाख करोड़ बचे, इसी गाय का देशी गाय का मूत्र अगर आप पीना शुरू करो तो 6 लाख करोड़ और बचेगा, बीमारी ही नहीं आएगी, और गाय का मूत्र पियो तो सब बीमारी मिट जाएगी। मैं पिछले 12 साल से परीक्षण करता हूं, 48 बीमारियां हमारे शरीर की ऐसी हैं जो गाय के मूत्र से जड़ से ठीक हो जाती है, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटिड अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल निमोनिया,
ऐसी खतरनाक 48 बीमारियां गाय मूत्र पीने से जड़ से ठीक हो जाती। आप बोलेंगे कैसे पीना है, आधा कप गाय का मूत्र सवेरे सवेरे खाली पेट पीना है, सवेरे सवेरे रोज बस, और देसी गाय का पीना है। 3-4 महीने लगातार पी लो, सब बीमारी मिट जाएगी। आंखों में बीमारी है तो एक एक बूंद गाय का मूत्र आंखों में डाल लो, आंखों की बीमारी मिट जाएगी। कान में बीमारी है, कान में डाल लो, कान की बीमारी मिट जाएगी। सिर के बाल अगर झड़ते हो और बहुत ज्यादा रूसी आती हो डेंड्रफ, गोमूत्र को पानी में मिला के बाल की मालिश कर लो, वो भी बीमारी मिट जाएगी। पांव में ठेक पड़ जाती है कई बार और पांव कट जाते हैं, फट जाते हैं, क्रैक्स, गाय मूत्र की मालिश करके रात को सो जाओ, ये बीमारी भी मिट जाएगी। खाज हो जाए, खुजली हो जाए, गोमूत्र की मालिश करो, खाज खुजली मिट जाएगी। दाद हो गया, एक्जिमा सोराइसिस, उस पे मालिश करो, वो भी मिट जाएगी। ऐसी बीमारी नहीं जो गोमूत्र से ना मिटे, बस इसको पीना है और लगाना है। अब बहुत लोग कहते हैं गोमूत्र पियेंगे कैसे, उसमें बास आती है, तो मुझे ये बताओ दारू कैसे पी लेते हो, उसमें तो और भी बास आती है। दारू की बोतल पे बोतल गटक सकते हैं तो गोमूत्र क्यों नहीं पी सकते। बस आधा कप पीना है। और आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं कि जो लोग आधा कप गोमूत्र रोज पी सकते हैं उनकी दारू छूट जाती है, क्योंकि गाय के मूत्र में भी सल्फर है और बहुत अधिक मात्रा में। दारू छूटती है, बीड़ी छूटती है, शराब, गुटखा, मावा, पान पराग सब छूट जाता है। और कभी कभी मुंह खराब हो जाता है ना, गुटखा खा खा के और इतना खराब हो जाता है कि मुंह में फोड़ा हो जाता है, जिसको हम कैंसर की पहली स्टेज कहते हैं। उसमें गोमूत्र मुंह में भरो, ऐसे ऐसे मुंह में भर के उसको घुमाओ और कुल्ला करना शुरू कर दो, वो फोड़ा भी मिट जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गोमूत्र से मुंह का फोड़ा मिटा के फिर गुटखा खाएं, छोड़ देना ही अच्छा है। तो आप इस गोमूत्र का दवा के रूप में इस्तेमाल करो, व्यसन को छोड़ने में इस्तेमाल करो, शरीर की बीमारियों को दूर करने में इस्तेमाल करो। माताएं बहनें यहां बैठी हैं, उनको एक बात बताने का दिल कर रहा है कि बहुत सारी माताओं बहनों को जब गर्भावस्था होती है ना, तो डॉक्टर कई बार कहता है कि सीजेरियन ऑपरेशन कराओ, नहीं तो बच्चा नहीं आएगा, और उसके 20 बहाने वो बताते। कभी कहेंगे जगह छोटी है, कभी कहेंगे ये बीमारी, कभी वो ये। आप कुछ मत करो, बस एक काम करना, किसी गाय की बछड़ी का मूत्र लेना आधा कप, और उसमें 100 ग्राम गोबर उसका घोल लेना। गोबर मूत्र घोल के उसको कपड़े से छान लेना, और जिस माँ को गर्भावस्था है और डॉक्टर चिल्ला रहा है कि ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन मत कराना, वो पिला देना उसको 2-3 घूंट सुबह, 2-3 घूंट दोपहर, 2-3 घूंट शाम। रात को बच्चा अपने आप बड़े आराम से बाहर आ जाएगा, कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़े। मैंने हजारों माताओं बहनों की डिलीवरी इस गोबर गोमूत्र से फोकट में कराई, और ये गोबर गोमूत्र में इतनी ताकत है। मैं आपको एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी को सरल भाषा में समझाता हूँ। बच्चा कई बार उल्टा हो जाता है गर्भाशय में, तो डॉक्टर कहते हैं अब तो कोई इलाज नहीं, काटना ही पड़ेगा पेट। गोबर गोमूत्र की 3 डोज दे दो, वो उल्टा बच्चा सीधा हो जाता है। गाय के मूत्र में इतनी ताकत है, इसलिए आप इसको पीना शुरू करो, पिलाना शुरू करो। इसका इलाज सबसे अच्छा है, खर्चा कुछ नहीं है, पैसे कोई जाने वाले नहीं, गाय अपने पास है। अब मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, बार बार आप गाय का मूत्र पियोगे, अपनी बीमारी ठीक करोगे, तो आपके मन में गाय के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। अभी तक तो आप दूध पीते थे, लेकिन दूध तो गाय हमेशा देती नहीं है, तो उस गाय को कसाई को बेच देते हैं। अब मूत्र तो जिंदगी भर देगी, तो मैं किसानों से कहता हूं गाय को दूध के लिए मत पालो, मूत्र के लिए पालो। दूध मिले तो बोनस है, मूत्र असली है। और जो गोमूत्र पीना शुरू किया, आंख में डालना शुरू किया, बीमारी मिटती है। आंखों की एक बीमारी है जो दुनिया में कभी ठीक नहीं होती, उसको रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। अमेरिका में भी इलाज नहीं है उसका, और एक ग्लूकोमा, बिना ऑपरेशन ठीक ही नहीं होता। ये दोनों बीमारी एक एक बूंद गोमूत्र से 3 महीने में जड़ से मिट जाती है। जिनको चश्मे चढ़ गए ना, चश्मा उतारना है तो गोमूत्र डाल लो तो चश्मा उतर जाता है।
सब तरह की बीमारी आपकी खत्म करता है गाय का मूत्र, क्योंकि गोमूत्र में 18 तरह के रासायनिक तत्व हैं, सल्फर उसमें है, कैल्शियम उसमें है, आयरन उसमें है, मैग्नीशियम उसमें है, मैग्नीज उसमें है, भगवान के दिए हुए हैं, प्रचंड मात्रा में है, मुफ्त में है और बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो गोबर गोमूत्र को खेत में डालो तो यूरिया का खर्च बचेगा, शरीर में पियो तो 6 लाख करोड़ की बीमारी का खर्च बचेगा। तो खाली गाय से ही एक साल में इस देश का 15 लाख करोड़ का फायदा हम करा सकते हैं, और ये ताकत हम में से हर किसान में है, और ये ताकत का अंदाजा किसानों को लग जाए तो भारत देश को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता और हमको आगे आने से कोई नहीं रोक सकता। हम तो पैदा करके दुनिया को खिला सकते हैं, इतनी ताकत गाय के गोबर और मूत्र में। बस अब एक काम करना, एक संकल्प लेके यहां से उठना कि गाय पालेंगे, उसको कसाई को नहीं बेचेंगे। मुझे दुख इस बात का है, गाय पालता है हिंदू, काटता है कसाई। क्यों? हिंदू बेच देता है, कसाई काट देता है। और हिंदुओं को पूछो भाई गाय क्यों बेची, कहने लगी जी दूध नहीं देती। दूध तो थोड़े दिन के बाद अपनी अम्मा भी नहीं देती, उसको भी बेचोगे? गाय अपनी मां के जैसी है, उसको कभी बेचना नहीं, किसी कसाई को देना नहीं, बहुत पाप पड़ेगा। अगर उसकी मृत्यु होती है तो ऐसे ही उसका अंतिम संस्कार करो जैसे अपने घर के लोगों का किया जाता है, अच्छा सा खड्डा खोद के उसको गाड़ दो। और मैं तो एक तरीका बताता हूं कि गाय मर गई तो उसका चमड़ा कभी मत उतारना, बहुत पाप लगता है। उसको ऐसे का ऐसा ही दफन करना खड्डा खोद के, और जहां गाय को दफन किया वहां आम का एक पेड़ लगा देना, 3 साल में वो पेड़ इतने फल देगा कि आप तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे। मैंने ये किया है, गाय का शरीर जिस मिट्टी में दफन हुआ वहां आम का पेड़ लगा दिया, और दूर एक दूसरा आम का पेड़ लगा दिया। उस आम के पेड़ पे 100 फल आते हैं तो गाय के शरीर वाले आम के पेड़ पे 400 से 500 फल आते हैं, 4-5 गुना ज्यादा उत्पादन है। और आम बड़ा होता है और एकदम मीठा होता है, माने गाय जिंदा रहते इतनी ही हमारी मदद करती है, मरने के बाद भी इतनी मदद करती है। इसलिए इसको कसाई को तो देना नहीं। और गाय को काटें, उसका मांस बिके 10,000 रुपए, गाय को जिंदा रखें और उसके मूत्र से दवा बनाकर बेचें तो साल की आमदनी 2 लाख रुपए है एक गाय की। इसलिए गाय फालतू नहीं है, बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। तभी तो हमारे बुजुर्गों ने, पुरखों ने कहा कि गाय में 33 करोड़ देवता हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है। और जो देवता है ना, उनमें गोबर में तो लक्ष्मी है और गोमूत्र में धन्वंतरी है। ये अब समझ में आया, मेरी अम्मा मुझे समझाती थी दादी कि गोमूत्र बसति लक्ष्मी, सॉरी गोमय वसति लक्ष्मी, गोमूत्रे धन्वंतरी, ऐसा एक संस्कृत सूत्र हमने सीखा था। अब गाय के मूत्र में धन्वंतरी, गोबर में लक्ष्मी, तब समझ में नहीं आया। अब आया कि गोबर डालते हैं खेत में, खूब अन्न पैदा होता है और बहुत महंगे दाम पर विदेशों में बिकता है, तो डॉलर के डॉलर आते हैं, तो लक्ष्मी ऐसे है गोबर में। और मूत्र को उपयोग करते हैं तो बीमारी मिटती है, बीमारी मिटे तो धन्वंतरी ही है फिर। तो गोबर गोमूत्र में भगवान है, ये ध्यान रख के आप अपने घर में गाय लेके आओ। और मेरा तो आपको कहना है कि जर्सी गाय जो गलती से लाई हो तो तुरंत बेचो, देशी लेके आओ। जर्सी बेचोगे तो 3 देशी गाय आएगी। जर्सी खाती भी ज्यादा है, हगती भी ज्यादा है, और बिल्कुल बेकार है उसका गोबर, ना उसका गोबर काम का ना मूत्र काम का। आप कहोगे जो दूध ज्यादा देती है, वो दूध बिल्कुल बेकार है, कोई पीने लायक नहीं है। दुनिया के किसी देश के लोग जर्सी गाय का दूध नहीं पीते, भारत को छोड़कर। डेनमार्क में सबसे ज्यादा जर्सी गाय है, फिर भी वो दूध नहीं पीते, क्योंकि कहते हैं इससे कैंसर होता है, अर्थराइटिस होता है। तो इस जर्सी गाय को बेच के देशी गाय लाओ और उसको पालो, तो आपका ये जीवन सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा। और मैं तो मानता हूं गाय का सबसे बड़ा मूल्य है, सवेरे ही सवेरे सोकर उठो और गाय के चेहरे का दर्शन करो तो भगवान का दर्शन हो गया। इतना आनंद और इतनी खुशी मिलती है गाय का दर्शन करने में। आंखें देखो कितनी सुंदर हैं, चेहरा कितना सुंदर है। तो ऐसी गाय पालकर अपनी खेती सुधारो, खुद को सुधारो, देश को सुधारो। ये निवेदन करके
मैं इस व्याख्यान को समाप्त करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बड़ी ध्यान से गंभीरता से सुना और निवेदन करता हूं कि ये करना जरूर। अच्छा ये बताओ करोगे? कौन कौन करेगा जरा हाथ तो उठाओ। बहुत बढ़िया। और जब ये पैदा होने लगे गेहूं चावल चना दाल तो मुझे पतंजलि समिति को बताना, हम उसके बिकवाने के लिए आपकी पूरी मदद करेंगे। अच्छे से अच्छा भाव आपको मिले, अच्छी से अच्छी कीमत पर ये चीजें बिकें, उसके लिए हम आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। ओ बहनों,